दोस्तों, यूं तो आपके घर में बहुत सारे पौधे लगे होंगे, लेकिन आज हम दिखाएंगे हिमाचल प्रदेश में उगने वाले कुछ पौधे जो जड़ी बूटियों के नाम से भी प्रसिद्ध हैं और उन्हें हम भोजन में भी काम में लाते हैं। तो बहुत सारे तो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन कुछ एक दिखा पाऊंगा जिनमें से एक पौधा ऐसा है जिसके बारे में आपने ऊपर टाइटल में और थंबनेल में भी देखा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, ये देखिए, ये जो पौधा लगा हुआ है ये है हल्दी का। आप हल्दी को रोज़ाना सुबह शाम खाने में प्रयोग करते हो, तो उसका आपने पैकेट तो देखा होगा जो आप लेके आते हो बाजार से, लेकिन आपने उसको कभी उसका शायद पौधा नहीं देखा होगा। तो ये है उसका पौधा, ये देखिए, इसे बोलते हैं हल्दी। तो इसकी जड़ें जो होती हैं वो होती हैं गट्ठेदार, और उनको सुखाने के बाद, पीसने के बाद वो पाउडर तैयार होता है। तो दोस्तों, ये है हल्दी, और आगे हम आपको दिखाते जाते हैं कुछ मेन मेन चीज़ें। अब आगे बात करते हैं, ये है दोस्तों, ये दिख रहा है आपको, ये है अदरक। ये देखिए, अदरक तो आपने बाजार से लेके आए होंगे आप। तो ये जो है पौधा, ये है अदरक का। ये देखिए, ये आगे भी बहुत सारी अदरक लगी हुई है, तो इसे कहते हैं अदरक। और अब ये आपको बड़े बड़े जो पात दिख रहे हैं, ये देखिए, ये क्या है? शायद आप बहुत सारे लोग इसको नहीं जानते होंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसको हमारी देसी भाषा में इसका कचालू बोलते हैं, कचालू, जिसके एक बहुत बड़े बड़े, जिसको हिमाचली में पतरोड़ा बोलते हैं। हिमाचल में बड़ी जगह पर अलग अलग, हिमाचल में भी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग ज़िले हैं, हर जगह पर अलग अलग नाम होता है, लेकिन जो कांगड़ा में है इसको पतरोड़ा बोला जाता है। इसका जिसकी भुज्जी भी बनती है, जिसको साग के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, खट्टी खट्टी होती है, बहुत टेस्टी होती है। तो खटास डालनी ही पड़ती है, नहीं तो मुंह में कुछ अजीब सा होता है, फिर खुजली सी लगती है जीभ में। तो ये देखिए साथ में दोस्तों, ये देखिए मक्की लगी हुई है। तो अगर आप इसके बारे में जानते हैं, इनके बारे में आपकी उधर जहाँ से भी आप देख रहे हो क्या बोलते हैं आपकी भाषा में, तो ज़रूर कमेंट में बताएं। तो एक एक चीज़ आपको बता देता हूँ सारी की सारी। ये देखिए मक्की की है, साथ में ये देखिए भिंडी भी लगी हुई है। ये देखिए भिंडी जो मार्केट से लेके आते हैं हम, तो भिंडी जो है ये है, ये देखिए ये भिंडी है, अभी छोटी छोटी भिंडी तैयार भी हो रही है। देखिए छोटा सा, छोटी सी भिंडी तैयार हुई है। ये देखिए बड़ी भिंडी भी है यहाँ पर जो पूरी तैयार हो चुकी है, ये देखिए। तो बहुत सारे जो नया यूथ है वो जानते नहीं है, वो सिर्फ मंडी के में ही देखते हैं या घरों में देखते हैं। तो आज आपको यहाँ से पौधों में लगी हुई भिंडी और बाकी जो जैसे मक्की वगैरह है वो भी आपको दिखा रहे हैं हम यहाँ पर। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। ये देखिए, ये भी भिंडी है। अब बात करते हैं, ये जो पौधा है मेन मेन आपको दिखा रहा हूँ, ये जो पौधा है आप भी जरूर बताएं आपके उधर होता होगा, तो आप क्या बोलते हैं इसे? पत्ते भी बहुत ज़्यादा इसके कड़वे होते हैं दोस्तों, और इसके जो बीज निकलते हैं बहुत ज़्यादा कड़वे होते हैं। इसको अगर खाली पेट इनके बीज को लिया जाए या इसके पकोड़े बनाए जाएं इनके पत्तों के, तो थोड़ा कड़वा कड़वा लेकिन स्वादिष्ट होता है, जैसे करेला होता है। लेकिन इससे जो बायो की प्रॉब्लम होती है वो दूर हो जाती है, जिसको बायो की प्रॉब्लम होती है शरीर में। और साथ में आप इसको देखेंगे, ये देखिए इसके पत्ते बहुत ही सुगंधित होते हैं, और इसका नमक, इसको नमक के साथ मिलाकर, मतलब इसको मिक्स किया जाए, इसकी चटनी बनाई जाए, तो वो टेस्टी होती है। तो इसको भाबड़ी बोलते हैं, भाबड़ी, हिमाचल में भाबड़ी, भाबड़ी का नाम है। इसको खीरे के साथ या बाकी कुछ भी, आप इसके साथ सेब वगैरह भी खा सकते हैं कुछ भी। तो भाबड़ी वाला नमक बहुत ही लजीज होता है, दया नहीं आया। चलिए, अब आपने जो टाइटल में जो पढ़ा था और जो थंबनेल में देखा था, तो वो पौधा ये है दोस्तों, ये बिल्कुल पौधा, बिल्कुल इसे बोलते हैं शरमाने वाला पौधा। तो दोस्तों, अब देखना किस तरीके से ये पौधा शरमाता है। तो दोस्तों, अब इस पौधे को आप ध्यान से देखें, ये देखिए मेरा ये हाथ है, हमें इस पौधे को छूऊंगा तो देखना ये कैसे शर्मा जाएगा। ये देखिए, अरे छुई मुई, अरे छुई मुई। ये देखिए, अब इसको भी छूऊंगा मैं, ये देखिए, अब ये पौधा, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, सारे के सारे पौधे यही हैं। इसको लाजवंती भी बोलते हैं, हमारे यहाँ पे इसको छुई मुई बोलते हैं।
अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आप क्या बोलते हैं। ये देखिए ये सारे के सारे शर्मा के गिर रहे हैं, ये देखिए। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपको कुछ बताना, जिन लोगों को नहीं पता था उनको बता दिया। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताएं आप इन पौधों को क्या बोलते हैं, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम आपके लिए और भी ज़्यादा इस तरीके से रोचक वीडियो बनाते रहें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा, और लाइक ज़रूर कर दें और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है दोस्तों।